हेलो स्टूडेंट्स तो देखें जोसा 2022 का शेड्यूल अपडेट हो चुका है पूरा शेड्यूल आ चुका है कि कब काउंसलिंग स्टार्ट होगी उसी के साथ साथ आप लोगों को बिजनेस रूल्स का भी पीडीएफ मिल जाएगा तो आप जोसा की ऑफिशियल वे, वेबसाइट के ऊपर विजिट करें वहां से आप बिजनेस रूल्स और शेड्यूल दोनों को डाउनलोड कर सकते हैं बट अभी मैं आपको बताना कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको कर लेने चाहिए। और आज ही पता लग गया है कि किस तक आपको ये डॉक्यूमेंट तैयार करने शेड्यूल है।, तो है, है जिनके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए तो देखिए सेप्टेंबर ऑफ इलेवन जयवांस का रिजल्ट आएगा तो जो पहली आपकी इंपॉर्टेंट डेट है वो है इलेवन ऑफ सेबर जब जय .E. का क्या आने वाला है? रिजल्ट आने वाला है और एज सुन एडवांस का रिजल्ट आएगा नेक्स्ट डे यानी सबसे इंपॉर्टेंट डेट जो आप है, है तो आपकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा सो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग फॉर अकेडमिक प्रोग्रामा स्टार्ट कैंडिडेट क्वालिफाई आर्किटेक्चर फिलर एटी स्पेसिफिक चोसेज स्टार्टिंग फ्रॉम सेप्टेंबर 17, 2022 यानी जो आर्किटेक्चर वाले हैं उनका रिजल्ट 17 सितंबर से आएगा और वो अपनी चॉइस फिलिंग ऑफ सेवन तो से स्टार्ट कर सकते हैं बट जो स्टूडेंट्स जेई मेन या फिर जेई एडवांस के थ्रू इंजीनियरिंग ब्रांचेस के अंदर जाने वाले हैं वो लोग का जो रजिस्ट्रेशन है वो सितंबर ट्वेल्थ मॉर्निंग टेन ए एम से शुरू हो जाएगा फिर देखें जो आपकी सबसे पहली इंपॉर्टेंट डेट है वो ट्वेल्थ सितंबर क्योंकि इस दिन से आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तो इस रजिस्ट्रेशन स्टार्ट्स करेक्ट नाउ सेप्टेंबर एटींथ सेप्टेंबर एटीन अब आपके पास क्या है मॉक राउंड चल रहा है मतलब सेप्टेंबर ट्वेल्थ से लेकर सेप्टेंबर एटीन तक आप अपनी रैंक के हिसाब से अपनी चॉइसेस फिल कर सकते हैं ये मॉक सीट अलोकेशन है मतलब ये एक्चुअल नहीं होगा आप जो सीट्स भर रहे हैं या जो ऑर्डर भर रहे हैं उसको आप अपने आप चेंज भी कर सकते हैं तो सेप्टेंबर एटीन तक आपको ये डिस्प्ले किया जाएगा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट है वो है एटीनथ ऑफ सेप्टेंबर तो यहां पर आपको मॉक सीट एलोकेशन मिलेगा कि आपने जो जो चॉइसेस भरी हैं उनमें से ये ये सीट्स आपको अपनी रैंक के हिसाब से मिल सकती है ठीक है तो डिस्प्ले लास्ट एट पी एम तक आपने जो सीट्स भरी है उन सीट्स में से आपको सीट एलोकेशन होगा फिर सितंबर ट्वेंटी सेकेंड इंपोर्टेंट डेट है अगर आपने यहां को चेंज किया है तो डिस्प्ले ऑफ मॉक सीट अलोकेशन टू बेस्ड ऑन द चॉइस फिल्ड इन बाय कैंडिडेट एज ऑन सितंबर 19 इवनिंग 5 पीएम तो सितंबर 18 और सितंबर 19 दोनों ही आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं और इन डेट्स में आप जो आपका मॉक सीट अलोकेशन है उसको देख सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट इनको जरूर देखना क्योंकि आपने जो चॉइसेस फिल की है उनमें से कौन कौन से आपको मिलने के हाई चांसेस हैं और अगर आप उस ऑर्डर में कुछ शफलिंग करना चाहते हैं तो वो आप लास्ट कर सकते हैं ट्वेंटी को ठीक है तो जो फाइनल नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट आई वो आई ट्वेंटी सेप्टेंबर ठीक है तो ट्वेंटी सेप्टेंबर पे क्या होगा रात को मतलब मॉर्निंग टेन ओ आपका डिस्प्ले हो जाएगा पूरा सीट एलोकेशन को 18, 19, 20 तीनों को, है और 21st को सीट्स हो जाएगी। मगर ट्वेंटी फर्स्ट कोई चेंज नहीं किया है तो अब आप अपनी चॉइसेस को चेंज नहीं कर सकते हैं इसके बाद सिस्टम जो है वो ऑटो लॉक पे चला जाएगा तो या तो आपने कंफर्म कर दिया आपने कंफर्म नहीं किया तो सिस्टम अपने आप कंफर्म कर लेगा तो ट्वेंटी सितंबर तक आप अपनी चॉइसेस के अंदर जो भी चेंज है वो चेंज कर सकते हो फिर देखें देखेंटी थर्ड से आपका पहला राउंड शुरू हो जाएगा सो दिस विल बी सीट 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 राउंड पर होंगी होंगी उसके बाद आपको डिस्प्ले और अगर आप उन सीट्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं मतलब जो आपको मिला है अगर आपको पसंद आ गया है कि हाँ यही चाहिए था तो आप उसे फ्रीज कर सकते हैं अदरवाइज आप फ्लोट और स्लाइड का ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं सेप्टेंबर ट्वेंटी आपकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगी इसमें आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए मैं इससे पहले वाले वीडियो में आपको बता चुका हूं और अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप फ्रीज स्लाइड और फ्लोट ऑप्शन को यूज कर सकते हो अपने प्रेफर्ड कॉलेज को चूज करने के लिए तो ये अभी के लिए आपके इंपॉर्टेंट डेट्स हैं इन डेट्स के ऊपर आप जरूर 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 ध्यान दें ट्वेल्थ ऑफ सेप्टेंबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तो उससे पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके रख लें क्योंकि फिर आपको टाइम मिलने वाला नहीं है मैं आपको एक और चीज बता दूं जनरल कैटेगरी के, के स्टूडेंट्स के लिए जो सीट एक्सेप्टेंस फी है वो थर्टी फाइव थाउजेंड रुपीज है और बाकी जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स है उनके लिए जो सीट है वो है फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज इस फीस में से जोसा की इस बार जो प्रोसेसिंग फी है वो थ्री थाउजेंड रुपीज है जो कि नॉन रिफंडेबल होती है और बाकी के जो आपके थर्टी टू थाउजेंड बचेंगे वो आपकी कॉलेज फी के अंदर क्या होंगे एडजस्ट हो जाएंगे सेम यहां पर भी है फिफ्टीन थाउजेंड में से आपका प्रोसेसिंग फी होगा थ्री थाउजेंड और बाकी का जो फी होगा वो आपका कॉलेज की फी के अंदर क्या होगा एडजस्ट होगा तो मार्क कर लें इन डेट्स को लिख लें अपने नोटिस बोर्ड पर अपने डेस्क पर जहाँ भी लिखना चाहते हैं अपने फ़ोन के अंदर रिमाइंडर डाल लें ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको काउंसलिंग के लिए ध्यान रखनी है